भारत की जंगे आज़ादी के मोढ़ी श्री सतगुरु राम सिंह जी के 205वें प्रकाश पुरब ते महान बसंत पंचमी के मौके ते मानयोग कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की अगवाई हेठ राज पदरी समागम 16 ते 17 फरवरी 2021 नूं श्री पैनी साहब लुधियाना विखे करवाया गया। यह राज पदरी समागम श्री सतगुरु उदय सिंह जी की पावन हजूरी विच होया। इस मौके दूरों दूरों संगतां पहुंचिया, इलाही बाणी का कीर्तन किया गया। इस राजपदरी समागम विच श्री भारत भूषण आशु कैबिनेट मंत्री पंजाब खुराक ते सिविल सप्लाई अते खपतकार मामले बतौर मुख मेहमान मौजूद रहे। आजादी का अर्थ यह नहीं कि गोरे अंग्रेज चले जाने और काले चले
ऐसा समय कि कुंभ आंदोलन को बिना कोई भी होर आंदोलन नहीं जरा बरतानवी साम्राज्य विरुद्ध जूझ रहा हो इन्होंने पा के वो कीर्तिमान स्थापित किए जिन्हों पर जिन्हों के चल के भारत देश आजाद हुआ। समा इना पे है, मैं एक गल कह के समाप्त करा। बाबा सोहन सिंह भकना गदर पार्टी के बानी प्रधान, उन्होंने देश आजाद होने तो बाद आख्या आजादी अधूरी है। आजादी से जी सतगुरु नानक सिंह कायम करते सन, निर्लाल के मनोह बुला दिता से, सूत प्रेम कर दिता से, उन्होंने दर्शाए मार्ग से चल के ही साड़ी आजादी स्थिति कायम हो सकती है। तो साडा देश जिहड़ा है, सतगुरु दलजीत सिंह जी ने 1982 में विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आए हुए उसे वचन दिया कि जे असीं अपनी संस्कृति को अपने सभ्याचार को अपना लईए तो फिर साडा भारत देश विकासशील देशों की कतार में नहीं सब तो मूहे दुनिया का मार्गदर्शन करने वाला देश हो सकता है। यह मार्ग जिहड़ा सतगुरु राम सिंह ने दिता सी उसे मार्ग से अज नामधारी समाज चल रहा है। सतगुरु कृपा कर असि सतगुरु राम सिंह के आदर्शों के चल के एक वो समाज सीख सकी जिहड़ा गुरु नानक ने सिरजिया सी, जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह ने पूरे पाए सी। उस मार्ग से चल के सतगुरु राम सिंह ने बोलिया असि उस मार्ग से चल के ही अपने देश का विकास कर सकते हैं। इन्हें शब्दों में अपना का जश मनाऊंगा। धन्यवाद। सत श्री हिंदुस्तान की जंगी आजादी की मोढ़ी सतगुरु राम सिंह जी महाराज के 205वें अवतार दिहाड़े ते आज अपना मस्तक झुकाने वास्ते गुरु घर दीआं खुशियां प्राप्त करने वास्ते इतिहास हुए हैं। आज पूरे संसार के कोने कोने में सतगुरु राम सिंह जी महाराज के पैरों द्वार और अब भैनी साहब विखे सतगुरु उदय सिंह जी की सरप्रस्ती हेठ आप उन्हां दी जन्मभूमि कर्मभूमि और हिंदुस्तान की जंगे आजादी का अंदोलन की जी जन्मभूमि है उन्हें भैनी साहब विखे हर साल की तरह बसंत पंचमी से अज का राज पद्धरी समागम कैप्टन अमरिंदर सिंह जी मुख्यमंत्री पंजाब वालों साढ़े बहुत ही सत्कार श्री भारत भूषण आशु जी जेडे कैबिनेट मंत्री ने अचेचे तौर पर संगतान के दर्शन करने वास्ते और सतगुरु उदय सिंह जी का आशीर्वाद लैन वास्ते बिट्टी जी साढ़े बहुत ही सत्कार सरदार हरिंदर सिंह जी हंसपाल साहब सरदार सुरिंदर सिंह नामधारी और संगत के रूप में आप सारे अज इतने गुरु घर दीआं खुशियां प्राप्त कर रहे हैं। किसी को कोई पता नहीं सी 2 सदियां पहला कि सतगुरु राम सिंह जी महाराज जदों उन्हें याद कर रहे हैं। मैं सारी संगत के नाल आ के अपना सीस झुकाउंदा होया धन धन श्री गुरु राम सिंह जी महाराज के 205वें जन्म दिहाड़े के संतान को लख लख बधाई देना जीवन का जा चुका। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी फतह। ਇਹ ਗੀਤੋਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਮਾਨ ਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਆਏ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਪਾਠ ਪੂਜਨ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਦਾ ਜੀ ਸਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਗਾ ਮੰਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭੂਮੀ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 32 ਲੱਖਣੀ ਕਹਿ ਕੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਿਆ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਲ ਵਿਵਾਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਔਰ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਥ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ ਹੈ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਮ ਦਿਆ ਕੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਇਹ ਉਪਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ
जिड़ी के नाम है अमृत लहर, अज भी बच्चे बच्चे लोग तकरीबन पता है। और जिन्हें कि सरकारा का बाइकाट किया सी सतगुरां ने अंग्रेजा नाल लड़ना सिखा के सब कौम को चढ़ के कलश देना सिखाया। सो अज मैं अरदास करती हाँ कि इसी तरह की जिड़ी भावना है वह अज भी साड़ी कौम में जरूरी हो गई और साढ़े जो अज के लोग ने इस तरह औरत को सम्मान दे और चढ़ती कला का हौसले से लेके अपनी कौम का नाम ऊंचा कर। बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी। अंग्रेज सरकार की नींह हिलाने को
उस वेले भी इस लहर ने काम किया किसने इतों तक दूसरे देशों का जो कूटनीतिक संबंध सीगे वो भी कायम किए चाहे रूस काबल नेपाल दूसरे देशों का अगर कोई उस तो बाद ही लहर जिसने भी अंग्रेज समाज का लड़न की कोशिश की थी उन्होंने कूका लहर और सतगुरु राम सिंह जी के दिते संदेश को बनाया चाहे महात्मा गांधी जी हो चाहे सारी कांग्रेस पार्टी हो उस नाम परिवर्तन लहर नाल ही उस दिते संदेशा को अगे रख के जी अज आजादी मान रहे हैं 1947 सानू आजादी मिली पर हमें पहले विद्वान कह रहे थे कि सांसद साढ़े मना नहीं जाती है जब आज लोड़े जो उन्होंने दिखाए रास्ते से सादगी के रास्ते सच्ची किरत के रास्ते उन्होंने अपनाउन दी जो जो उन्होंने जगाई सतगुरु उदय सिंह जी के मैनू भी थोड़ा टाइम मिले इन्होंने कोल रह के कुछ सीखने का अज भी समाज वास्ते वही जोत काम कर रही है इन्होंने रूप नशे प्रदान इस सूबे के किस तरीके ओलंपियन तैयार करने खेड नौजवानों को जोड़ना है ये अज भी काम कर राम सिंह के समागम गुरु वाहि साहब समझद चरण सात संगत जी तुम जिन्हों विद्वान को सुने कल तो सुन रहे हो बिल्कुल जी ने कृपा की है संत गुरमोहन सिंह जी ने हरपाल सिंह जी ने होर विद्वान सज्जनों ने संत गुरु नानक सिंह सच पातशाह बारे दसिया है उन्होंने ज्ञान मेरे नालों बहुत ज़्यादा है मैं छोटी जी कुछ गल कर चाहवागा सतगुरु राम सिंह सच पातशाह ने कुछ परंपरावान को बचाया तो कुछ परंपरावान तोड़िया कोई भी योग पुरश आते हैं वो कुछ परंपरावान तोड़ते भी नहीं मैं कुछ जड़िया परंपराव सच पातशाह ने तोड़िया मैं उन्होंने गल करता जिन्हों की अज की जनरेशन वो चीज़ा सोच भी नहीं सकती जो साढ़े को पहली जनरेशन ने सोच सकती सी किस तरह सच पातशाह ने जो आप इसत्रियों की गल करिए किस तरह सच्चे पातशाह ने लड़कियां मारनों रोकिया यह कहा कि जोड़ा लड़की मारेगा लड़की वेचेगा वट्टा करेगा वो पंथ में जीतेगा उस वेले ये गल सोचनी बहुत वड्डी सी आप सोच के देखिए कितना दुखदाई होएगा या आप महाराज रणजीत सिंह वेले की गल करिए किस तरह जबरदस्ती विधवा औरतों को मरना पैंदा सी आख्या भी जाता सी कि सर्दी होंगे ने पर उन्होंने कि अपनी मर्जी ना होंगे सी कि साड़ के मारिया जाता सी वो सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह ने सती प्रथा बंद ना सिर्फ सती प्रथा बंद किया सच्चे पातशाह ने यह हुक्म किया कि जिहड़ियां विधवा ने वो दोबारा विआह करो मैं सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह के शब्द में सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह हुक्म करते हैं कि उन्होंने माइया ने जिन्हों का कोई विषय विकार मतलब नहीं सी उन्होंने हुक्म मन के उन्होंने विवाह करवाया ये एक प्रेसीडेंट सैट किया कि विधवा विआह उस टाइम में बीते कई बार अजक जमाने भी मुश्किल हो जाता असी अज अपने आप को बड़ा मॉडर्न समझते हैं बहुत कुछ करते हैं पर सानू पता है कि जो सा कोई धी भैन सू दोबारा विहनी पड़े सूँ कि मुश्किल आता है कि सतगुरु
करम सिंह सच्चे पातशाह ने उस टाइम पर विधवा ब्याह दोबारा किए उही सत्कार विधवा बीबिया दिता जरा दूसरों को दिता से। सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह अपने हुक्मनामे की हुक्म करते रहे जिस औरत को बहुत छोटा समझा जाता है जो जमदिया बच्चियों को मार दिता जाता है उदो सच्चे पातशाह हुक्म करते हैं औरत के गुण मेरे से कहे नहीं जाते। किन्नी उस टाइम के सच्चे पातशाह ने एक कृपा की एक किस तरह सत्कार दवाया इस चीज की उदो लोड़ सी। फिर सच्चे पातशाह हुक्म करते हैं अपने हुक्मनामे जी आप दूजे पास चलीए जिस चीज़ की अज भी लोड़ है भाई खिमा धीरज रखना। खिमा धीरज वाले गुरु नानक साहब कितनी वड्डी गल है पर खिमा धीरज का काम बड़ा औखा है। जे असी अज भी खिमा धीरज रखते हैं तो बड़ा काम सौखा हो जाता है। वो खिमा धीरज के नाल साडा हंकार भी आप कुछ खत्म हो जाता है साडियां लड़ाइयां मुक जांदियां ने। सच्चे पातशाह ने खिमा धीरज का हुक्म दिता एक मैं सच्चे पातशाह ने तुहानूं तुसीं बहुत सुनिया कि किस तरह उस दिन बिरधी ने बोले सी सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह ने किस तरह गुरबाणी के नाल जोड़िया। और मैं अक्सर एक गल बहुत बार मैं कहना फिर कहना कि गुरबाणी वो ही क्योंकि गल इतने हुई सी नैतिकता की गल की सी सब तो वड्डी नैतिकता सानू गुरबाणी में मिलती है क्योंकि गुरबाणी वो है जी किसी धर्म वास्ते नहीं किसी एक धर्म वास्ते नहीं सारिया वास्ते गुरबाणी है। वो सच्चे पातशाह ने कृपा की सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह ने किस तरह उस वेले जी गुरबाणी तो टुट चुके से उन्होंने दोबारा फिर गुरबाणी में जोड़िया। फिर एक नामधारियों अज भी है दूजा कुछ सिखा भी है सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह ने कृपा की सानू दसवें पातशाह की बाणी नाल जोड़िया सानू दसवें ग्रंथ नाल भी उस तरह ही जोड़िया असी वो ही सत्कार करवाया जो आज गुरु ग्रंथ साहब का करवाया वो ही दसम गुरु ग्रंथ साहब का सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह ने वो सत्कार करवाया। बहुत उच्ची जगह है पर की साडे देश विच क्यों नहीं वो जो असं उस देश में इतने पहुँचाना चाहते हैं कि सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह की दिखा हुई सिक्ख्या जुड़न की लड़ है सच्चे पातशाह की सिक्ख्या को चल के उस नैतिकता में जुड़न की लड़ है। जदों साढ़े अंदरों के ऐप खत्म हो जाएंगे वो गल की सी कि वो किस तरह आशु जी ने कहा कि सिख किस तरह शहीद होए वो चानण मनारा बने बाद वाले शहीदों वास्ते भी क्योंकि उन्होंने शहीदों को किसी तरह का लालच नहीं सी ना उन्होंने किसी भी लालच से ना अपना लालच से ना पैसे का लालच से ना किसी का वो रह गया वो इन्ने उच्चे हो गए सी। अज भी एक होर रूप में उस तरह की लोड़ है कि अस अपने छोटे छोटे स्वार्थों के उत्ते उतरते हुए साडा स्वार्थ साडा देश साडा कौम हो जाए साडा स्वार्थ लोग भलाई हो जाए ये मानव जाति हो जाए सारा देश आज भी सारे तो अगर नहीं होएगा। मैं जिन्होंने मेला कराया मेला सुरिंदर सिंह जी भाई जी वालों होया उन्होंने सारे परिवार वालों होया सच्चे पातशाह कृपा कर उन्होंने सब तो वड्डी ते सिक्खी की दात बख्शी जिन्होंने साध संगत ने एक सेवा की है उन्होंने सारे वास्ते भी सच्चे पातशाह कृपा कर उन्होंने खुशियां बख्शन। आशु जी तुम आए हो सा इस टाइम बहुत बहुत धन्यवाद डाक्टर जी बीबी जी का सारे का बहुत बहुत धन्यवाद बार भाई संगत का बहुत धन्यवाद। असी अपने मेरे वास्ते भी अपने वास्ते भी सिक्ख्या लैके जाइए असी सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह की सिक्ख्या से चलते हुए इस देश की कौम की सेवा कर सकीए आप खुश रह सकी दूजे को खुश रख सकीए जिन्हें अच्छे करके सर्वसंत पैचमी का और
सतगुरु राम सिंह जी के जन्म दिहाड़े का पवित्र दिहाड़ा और हज़ारों की गिनती संगतान नतमस्तक होने आई हुई ने और आशु जी मिनिस्टर भी जोड़े है आके नतमस्तक हुए हैं और उन्होंने नामधारी समाज के लिए जो वर्ड कहे वो मतलब बहुत ही अच्छे तरीके लग रहा है कि जिस तरीके बड़ा अटैच है इस मिशन के नाल और असं देख रहे हैं कि जितने नामधारी शब्द आ जाए उत्थे विश्वास होंगे लोगों के मन के सारे वहम दूर हो जाते जो नामधारी का शब्द आ जाता है की कहना चाहिए अज आप सतगुरु राम सिंह जी के 205वें प्रकाश दिन के उत्ते सारे इतने इकट्ठे हुए हैं उन्होंने नतमस्तक होने लिए श्री भैणी साहब अज बहुत सारे लोग इतने आए हैं बहुत सारी साध संगत आई है सतगुरु अजीत सिंह जी की दर्शन करने उन्होंने हजूरी चाहिए सतगुरु राम सिंह जी ने सानू अगर स्वच्छता दी है मन की भी दिती तन की भी दी सतगुरु राम सिंह का सीधा सीधा जो गुम है विचार की भी स्वच्छता होनी चाहिए विचार भी माड़े नहीं होने चाहिए सतगुरु राम सिंह जी ने हमेशा ही जी सतगुरु अजीत सिंह जी ने वचन किया कि खिमा तीर्थ वाले के गुरु सदा अंग संग है खिमा तीर्थ बड़ा है औखा काम करना किसी को खिमा करना है सच बोलना अपने विहार को शुद्ध रखने का यतन करना बच के रहना अपने जिन्हें सिक्ख्यावान उ अब साढ़े से चल रही ने अज आप घबराने वास्ते उन्होंने अपने आप में सीधा करने वास्ते अपने आप में फिर शिक्षित करने वास्ते आप इतने इकट्ठे हुए हैं अब सतगुरु रामदेव जी का प्रकाश दिन आप इतने मना रहे हैं सारी साध संगत आ के सच्चे पातशाह कृपा कर जिवें ये मौसम बदल फसल बदल दी ने खुशियां आ रही ने फुल खिड़ते हैं साढ़े भारत देश पंजाब साढ़े शहर इस तरह खुशियां खिड़ी हो कोई गरीब ना कोई दुखी ना गऊ गरीब का कष्ट दूर होने किसान अंदोलन होर अंदोलन चलते हैं ये शांत हो जा सब की इच्छा पूरी हो सब आप अपने घर टिक के बैठ के अपने मुल्क की तरक्की वास्ते काम कर सब सुखी बस इस भावना के नाल अरदास सतगुरु राम करना चाहते बहुत 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 मुबारक 2205वां साल सतगुरु राम सिंह और सतगुरु राम सिंह के दर्शन की इच्छा है ਕਵੀ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਮੌਸਮਾਂ ਦੀ ਚੇਂਜਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਉਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਮੌਸਮ ਔਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੁਹਾਗਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਅੱਖਾਂ ਦੇ 'ਚ ਐਨਰਜੀ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਭਗਤ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਜੋ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੇ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੋ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆਏ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਇੱਕ ਭੈਣ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ 205ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਕੁੱਲ ਲਿਖਾਈ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਾਇਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੱਚਾਈ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਸੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਿਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਿਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਗੱਡੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੁੰਦਰੋਂ ਵਰਮਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ 'ਤੇ ਜੋੜਿਆ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵਿਆਹਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤੀ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੂੰਗਾ ਵੀ ਸੱਚ 'ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਕੋਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਆ ਜੇ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖਾਧੀ ਆ ਉਹਨੇ
कीड़े ने भी देना पत्थर से सब देना पर आप जो उत्थे आ के गुरु नानक देव जी का नाम लवेंगे गुरबाणी पढ़ा गुरबाणी से चलेंगे सच से चलेंगे पहला देंगे तो सब राम सिंह का प्रकाश जाड़ा बनाया सरकार करूँगा इन्ने शब्द ज्यादा है मैं आप करवा दूँगा।